चालीसगांव फाटे पे ये एक्सीडेंट हुआ है बारी के पास में। नासिर याकूब सैयद ये मालेगांव अपनी खाला के वहाँ आ रहे थे मुलाकात करने के लिए। ये नूरानी मस्जिद के पास रहते हैं, इनके जो खालाजात भाई थे और हमारे राजू भाई नेशनल वाले इनके भी भाई थे। ये कोई गाड़ी वाले ने इनको बेदर्दी से मार दिया है, तो सर तो इनका पूरा मतलब एकदम डैमेज हो गया है। राजू भाई ने कॉल किया, हम लोगों ने फिर तालुका पुलिस स्टेशन को इन्फॉर्म किया। तालुका पुलिस स्टेशन से हमारे दो तीन दादा आए, अभी पंचनामा इनकेस वगैरह भर के और इनके ताबे में हम लोग डेड बॉडी निकाल कर दे रहे हैं। एक्सीडेंट तो बार बार होता है, हम लोग मैसेज भी बार बार लोगों को देते हैं कि यार ये बार बार जो एक्सीडेंट हो रहा है इसके ऊपर रोक लगाई जाए। नेशनल हाईवे नंबर 3 के ऊपर कहीं ना कहीं पे बैरिकेडिंग वगैरह, उसके अलावा डिवाइडर वगैरह, अंडरग्राउंड रास्ते या ब्रिज वगैरह, ये हम लोग बार बार सोशल वर्कर भी और हमारे शहर के शासी समाजी लोग भी इसका मैसेज दे रहे हैं, लेकिन प्रशासन के कान पे जू नहीं रेंग रही है कि यार ये सब बनाया जाए तो कम से कम वो हाईवे के ऊपर हादसात कम हो। ये जो एक्सीडेंट हुआ तो रहने वाले प्रॉपर कहाँ के थे? प्रॉपर ये रहने वाले थे गुंजन वाड़ी, बामरवाड़ी वहाँ के रहने वाले थे, लेकिन ये अक्सरियत से अपनी खाला के वहाँ यहाँ पर आया करते थे। पूरी खानदान उनकी शायद मालेगांव में ही है, ज़्यादातर उनके जो रिश्तेदार हैं वो मालेगांव में ही है, तो मालेगांव अक्सरियत से आते थे और अभी उन लोगों से शायद मुलाकात के लिए या कोई काम से वो आ रहे थे। उनकी मोटरसाइकिल वगैरह भी पुलिस स्टेशन में अभी जमा करा दी गई है, बाकी जो गाड़ी वाले ने मारा है वो भी वहाँ पर पता चल जाएगा। अच्छा सफीक भाई, आप यहाँ से जो है तो बार बार एक मैसेज देते हैं सर्विस रोड के ताल्लुक से, मगर इसके ऊपर कोई कार्रवाई नहीं हो रही है, इसके ऊपर आगे आपका क्या अमल रहेगा? कोशिश हम लोगों की यह है कि अभी हम लोगों ने सभी पुलिस स्टेशन से मालूमात मंगाई है, हमारे DYSP साहब से, SP साहब से, और कितने हादसात अभी तक नेशनल हाईवे नंबर 3 पे हुए, 13 फाटे से लेके 40 फाटे तक, तो इसकी मालूमात मंगाई है। 3 पुलिस स्टेशन से मेरे पास मालूमात आ चुकी है, 2 पुलिस स्टेशन की मालूमात आनी बाकी है। ये जब मालूमात आ जाएगी तो आंकड़ों के तर्ज के ऊपर, कितने आंकड़े वाइज है, आंकड़े वाइज की उस पर हम लोग फिर इंशाल्लाह एक ड्राफ्टिंग वगैरह करके जो हमारे देश के हाईवे डिपार्टमेंट के जो भी अधिकारी है वो भी और हमारे मंत्री है उनके पास जाकर हम लोग इसको मेमोरेंडम वगैरह दे के और उसके ऊपर कोशिश करेंगे कि यार सियासी समाजी लोग और हम लोग भी मिलकर उसके ऊपर काम करके सर्विस रोड बनाने की कोशिश करेंगे सर।